तो मैंने अभी एक शेड्यूल अपलोड किया है आप लोगों के लिए कि अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं और सेकेंड ग्रुप देने जा रहे हैं तो आपको कैसे मैनेज करना चाहिए। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या शेड्यूल हो सकता है आपका। देखो, 3 महीने में बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। मैं इस शेड्यूल में फर्स्ट ग्रुप पे ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रुप क्लियर कर लोगे तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, फाइनल ड्यू होगा और आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा शेड्यूल और आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बोध ग्रुप का प्लान कि कैसे आपको करना है। तो आपका रिजल्ट आया था और आप किसी वजह से पास नहीं हो पाए, आपने बोध ग्रुप की तैयारी कर चुकी है, कोचिंग ख़त्म हो चुकी है, मेरी अजम्पशन केवल ये है, और आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। तो मैंने जो रिवीजन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है लॉ एंड टैक्स का, दूसरा आपको करना है ITSM और कॉस्ट FM का, तीसरा आपको करना है ऑडिट और अकाउंट फर्स्ट ग्रुप की, फिर लास्ट में आपको करना है एडवांस अकाउंट प्लस रिवीजन। तो इस रिवीजन के लास्ट में आप लोग ITSM को एक बार रिवाइज कर लोगे, कॉस्ट FM एक बार रिवाइज कर लोगे, टैक्स 2 बार रिवाइज कर लोगे, लॉ भी 2 बार रिवाइज कर लोगे। मेरा इम्पैसिस इस प्लान में सबसे ज़्यादा सेकेंड ग्रुप पे ना होके फर्स्ट ग्रुप पे है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ग्रुप पास कर लोगे तभी आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कैसे कैसे आपको करना है। तो आप 3 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, और सबसे पहले आप स्टार्ट कर रहे हो लॉ एंड टैक्स को। लॉ आपको कैसे कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट और निगोशिएबल एक्ट मिला के आपको 6 डेज लगेंगे, बोनस EPF ग्रेचुटी 4 डेज में, कंपनी लॉ आप 5 डेज में, एथिक्स कॉम 5 डेज में, मतलब आपका लॉ 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली इस तरह से आपका टैक्स का चलेगा, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स 4 डेज, रेजिडेंशियल 2 डेज, PGBP एंड कैपिटल गेन दोनों को मिला के 6 डेज, सैलरी हाउस प्रॉपर्टीज 4 डेज, डिडक्शन TDS और मिसलिनियस टॉपिक्स 4 डेज में। अब आपको एक ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज़, जो टैक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको उनकी लिस्ट स्टार्टिंग से ही बनानी है। ऐसा ही सेम आपको कॉस्ट FM में भी करना है। तो आपका लॉ टैक्स मिला के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 3 अगस्त से कंप्लीट कर रहे हो तो 23 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आपको उठाना है ITSM और कॉस्ट FM। IT आप क्योंकि थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है, और अगर आप नया भी पढ़ रहे हो तो 7 डेज इनफ हैं आपको एक बार पढ़ने के लिए। ये मैं बात कर रहा हूँ स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल दोनों को मिला के 7 डेज में। स्टडी मैट और प्रैक्टिस मैनुअल से मिला के आप अगर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी करते हो तो भी आपको 7 डेज लगेगा, मतलब 14 डेज में आपकी ITSM ख़त्म, यानी कि 6 सेप्टेम्बर तक आपकी ITSM कंप्लीट हो जाएगी। और आपका कॉस्ट FM का शेड्यूल इस तरह से चलेगा, कैपिटल बस्टिंग और WCM यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को आपको मिला के 8 डेज। सबसे पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों आपको अगर एक साथ करते हो तो 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। फिर बात आती है रेशियो और फंड फ्लो स्टेटमेंट, वो आपकी 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। मटेरियल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपको तीनों को कंप्लीट करने में 8 डेज लगेगा। जितना कि जो मैं शेड्यूल बना रहा हूँ ये आपके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उसको देख के मैं बना रहा हूँ। प्रोसेस को करने में आपको 3 डेज लग जाएगा, लेबर ओवरहेड और कॉन्ट्रैक्ट को आपको करने में 5 डेज लग जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड बजट को करने में 2 डेज लग जाएगा, यानी कि टोटल आपके लगे 32 डेज, और ये आपकी कंप्लीट हुई 25 डेज। यहाँ पे आपकी ख़त्म हो रही थी ये आपकी ख़त्म हो रही थी 6 सेप्टेम्बर को, तो दोनों के बीच में गैप कितना हुआ, 18 डेज का हुआ। तो अब 18 डेज में आपको क्या करना है, आपको लॉ का रिवीजन करना है 5 डेज कंप्लीट केवल लॉ, टैक्स का आपको करना है 8 दिन केवल और केवल टैक्स, फिर ITSM नेक्स्ट 5 डेज केवल IT और SM। लॉ में कैसे करना है, पहला करना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 डेज में, कंपनी लॉ 2 डेज में, एथिक एंड कॉम 1 डेज में, ठीक है।
और इस तरह से आपको टैक्स का करना है और ITSM का करना है। मतलब आपका 25 सितंबर तक तीन सब्जेक्ट ख़त्म हो गए फर्स्ट ग्रुप के, एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया ITSM का, और आपका एक बार रिवीजन भी हो गया सात तीन सब्जेक्ट का कॉस्ट एफएम को छोड़ के। कॉस्ट एफएम को हम बाद में रिवाइज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ज़रूर ज़रूर और ज़रूर बनाएंगे कॉस्ट एफएम में। अगर आपने नहीं बनाई तो आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्लान। फिर आपको 26 सितंबर से उठाना है ऑडिट और अकाउंट फर्स्ट ग्रुप का। ऑडिट में मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कंपनी ऑडिट पहले उठाने का, लेकिन इस बार मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ फर्स्ट 4 चैप्टर आप पहले उठाओ, वो आपको कंप्लीट हो जाएंगे 6 डेज में। कंपनी ऑडिट के लिए 4 डेज, स्पेशल ऑडिट के लिए 2 डेज, वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए 3 डेज। मतलब आपकी 9th of October तक आपकी ऑडिट ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं अकाउंट का फर्स्ट ग्रुप, साथ की साथ ये दोनों एक साथ करने हैं। मैं मान के चल रहा हूँ आप 2 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस देता हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं आपके लगभग 20 to 30 मार्क्स के। फिर पार्टनरशिप और अमलगमेशन मिला के आपके 6 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका 2 डेज में, सिंगल एंट्री आपका 3 डेज में, हायर परचेज और कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 डेज में, इन्वेस्टमेंट 1 डेज में, इंश्योरेंस प्री पोस्ट प्रॉफिट और एवरेज ड्यू डेट आपका 5 डेज में। मतलब आपका 17th of October तक ये कंप्लीट हो गया और 9th of October तक ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ रिवीजन आपको स्टार्ट करना है इमीडिएटली, यहाँ पे 9th October को ख़त्म हुआ, आपको 10th October से ही उठानी है एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट आपको कैसे करनी है, आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस आपका 3 डेज में इनफ है करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिन में, डिपार्टमेंट और ब्रांच 4 डेज में, पार्टनरशिप अकाउंट और कंपनी अकाउंट 2 डेज में 4 डेज में रिस्पेक्टिवली। मतलब आपका एडवांस अकाउंट ख़त्म हो जाएगा 24th of October तक, जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन है। अगर आप दिन में 12 आवर मिनिमम पढ़ रहे हो तो आपको स्पीड बनानी है, क्योंकि भाई बोध ग्रुप पढ़ना 3 महीने के अंदर केवल आसान काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, आप स्टडी कर सकते हो। तो ये 17th October को ख़त्म हो रहा था, ये ख़त्म हो रहा है आपका 24th October को। दोनों के बीच में गैप है 7 डेज का, जिसको आपको यूटिलाइज करना है। लॉ को आपको 3 दिन में रिवीजन करना है, टैक्स को 4 डेज में, क्योंकि पीछे आपने लॉ को कितने डेज में रिवीजन किया था, 5 डेज में, और टैक्स को आपने किया था 8 दिन में। तो आपको इस तरह से इसको रिवीजन करना है। टैक्स का आपका पूरा नहीं हो पाएगा रिवीजन 4 डेज में, तो आपको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ही रिवाइज करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 25, 26, 27, 28 और 29, मतलब 5 दिन कॉस्ट और एफएम के जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे, जितने भी थे, आपको उनको करना है इन 5 दिन में, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उनको, ठीक है। फिर आपको 3 दिन अकाउंट का फर्स्ट ग्रुप रिवीजन करना है, 30, 31 और 1। अब बात आती है कि यार अब हमें क्या करना चाहिए। ये जो 7 दिन है जो गैप मिल रहा है, अगर हमने टेस्ट सीरीज ऑप्ट की है वो लेनी चाहिए या रिवीजन, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो आप मेरी टेस्ट सीरीज ले सकते हो या किसी और की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, तो आपके लिए इन दिनों में बहुत ही अच्छा होगा। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगी हमारे इस शेड्यूल प्लान से। आपको ये फोटोज़ मैं गूगल ड्राइव पे डाल दे रहा हूँ, आप डाउनलोड भी कर सकते हो नेट के थ्रू। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इसकी बहुत से लोगों को नीड है। और हाँ, पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए पढ़ें, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे।